सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास यहां पर AMD में जो है ग्राफिक ड्राइवर का ये एरर आ रहा है, एरर 182, तो इस एरर को जो है आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, आपको जो है सबसे पहले विंडोज़ की सेटिंग में जाना है। आप जो है विंडोज़ की प्रेस करते हुए आप आई प्रेस कीजिए, शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं आप, सेटिंग जो है ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको विंडोज़ अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास कोई भी अपडेट जो है पेंडिंग नहीं है, तो यहाँ पर आपका सिस्टम भी जो है अप टू डेट होना चाहिए, आपके पास कोई भी विंडोज़ अपडेट जो है पेंडिंग में नहीं रहना चाहिए। उसके बाद आप जो है यहाँ पर एडवांस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शनल अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद, अगर आपको यहाँ पर जो भी इंटेल के ग्राफिक ड्राइवर के डिस्प्ले ड्राइवर अगर शो हो रहे हैं, तो आपको जो यहाँ पर उसको जो है अपडेट करना है। उसके बाद आप जो है सेटिंग को जो है क्लोज़ कीजिए। उसके बाद दोस्तों, विंडोज़ अपडेट करने से जो है प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गई, तो आपको जो है डिवाइस मैनेजर जो है ओपन करना है। सर्च बार में टाइप कीजिए डिवाइस मैनेजर, उसके बाद आप इसको जो है क्लिक कर ओपन कीजिए। फिर आपको जो यहाँ पर डिस्प्ले अडाप्टर का जो ऑप्शन है, यहाँ पर एरो के ऊपर क्लिक कर एक्सटेंड कीजिए। उसके बाद यहाँ पर ग्राफिक कार्ड जो है सेलेक्ट कीजिए, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास AMD का है, तो सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद राइट क्लिक कर अपडेट ड्राइवर पर क्लिक कीजिए, फिर सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स पर क्लिक कीजिए। उसके बाद इसको क्लोज कर और एक बार से जो है यहाँ पर राइट क्लिक कर अपडेट ड्राइवर के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, जैसे कि यहाँ पर प्रोस माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स। उस पर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट, इस वाले ऑप्शन को जो है आपको सेलेक्ट कर आपके ग्राफिक कार्ड को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पर सिंपल नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है, सेटिंग को जो है क्लोज कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आप जो है PC या फिर लैपटॉप को जो है एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद भी प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हो गई, तो आप जो है और एक मेथड जो है ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर आपके ग्राफिक के ड्राइवर को जो है आपको डाउनलोड कर देना है। आपका जो भी ग्राफिक कार्ड है, जो भी सीरीज का ग्राफिक कार्ड है, आपको उसी के ड्राइवर जो है आपको डाउनलोड करना है। तो वो चेक कैसे करते हैं आपको सबसे पहले वो बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप जो है विंडोज़ की प्रेस करते हुए R प्रेस कीजिए, रन कमांड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको इस तरीके से टाइप कर देना है DXDIAG, उसके बाद आपको ओके कर देना है। फिर दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर रेंडर वाले ऑप्शन में आना है, टैब में। यहाँ पर रेंडर वाले टैब में आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास मेरा ग्राफिक कार्ड का जो सीरीज है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, AMD Radeon HD 8500M। तो यहाँ पर इसी वाले ड्राइवर को जो है आपको डाउनलोड कर देना है। जैसे कि आपके पास जो भी शो हो रहा है, तो आप जो उसका डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर गूगल में जाते हैं, यहाँ पर AMD Radeon HD 8500M यहाँ पर ड्राइवर टाइप कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ड्राइवर्स जो है आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विंडोज 10 32-bit है, 64-bit है। तो आप जो यहाँ पर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो आप जो है उसके हिसाब से सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर जो है विंडोज 10 यूज़ कर रहा हूँ, तो 64-bit यहाँ पर इसको जो है सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपल डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ग्राफिक ड्राइवर जो है यहाँ पर डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये डाउनलोड होने तक आप वेट कीजिए। उसके बाद डाउनलोड होने के बाद आप जो है इसको इंस्टॉल कीजिए। इस ड्राइवर को आपको इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ये एरर जो है शो नहीं होगा। तो गाइस, इसी तरीके से आप जो है इजीली AMD Radeon ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर का अगर आपके पास भी एरर आ रहा है, तो इस तरीके से आप इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।